तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मनीष कुमार ने, इनने पूछा है कि इतना बड़ा हो गया और ब्याह नहीं हुआ है। तो बेसिकली इनने पूछा है कि इतने बड़े हो गए हो और तुम्हारी शादी नहीं हुई है। तो भाई मनीष कुमार, हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवांशु और स्वागत है आपका टॉय जोन इंडिया में। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं एक Q&A करने वाला हूं, तो आज हम लोग लेके आए वो Q&A वीडियो। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। Q&A शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैंने एक नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को खोल के आप प्लीज़ एक फॉर्म भर दीजिए। उसमें मैंने आपसे आपका नंबर, आपका नाम, आप किस क्लास में पढ़ते हो, आपका एड्रेस क्या है, ये सब के बारे में पूछा है। तो अगर आप मेंबर हो, टॉय जोन इंडिया फैमिली के मेंबर हो, तो प्लीज़ उस फॉर्म को भरो, ताकि फ्यूचर में अगर इस चैनल पे कुछ नया आए तो मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। यहाँ पे लेते सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है MS गेमिंग जोन ने, इनने पूछा कि सर आप कहाँ पे रहते हो। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं रहता हूँ मध्य प्रदेश के जबलपुर में, और जबलपुर में मैं रहता हूँ रांझी व्हीकल स्टेट में। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं रोहित वर्मा का, इनने कुल 6 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन इनका है, सर आप जो गिफ्ट लेते हो वो गिफ्ट खुद की जेब से लेते हो? दूसरा, आप क्या काम करते हो, क्या आप जॉब करते हो? तीसरा क्वेश्चन इनने ये पूछा, क्या कभी आप मोबाइल का गिफ्ट भी करोगे या फिर सिर्फ टॉय का? चौथा क्वेश्चन इनका है कि आपको आइडिया कहाँ से आया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का? पांचवा क्वेश्चन इनका है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? एंड छठा क्वेश्चन इनका है, आपको आइडिया कैसे आता है कि किसका गिफ्ट करूं? प्लीज रिप्लाई, एक एक करके देते हैं जवाब। पहला क्वेश्चन था आपका कि मैं गिफ्ट कहां से खरीदता हूं, तो मैं खुद के पैसे से ये गिफ्ट खरीदता हूं। और आप क्या काम कर, पढ़ाई कर रहा हूं मैं, 4th ईयर यानी कि फाइनल ईयर में हूं। और आप कभी मोबाइल का गिफ्ट भी करोगे या सिर्फ टॉयज का? तो ये आगे देखा जाएगा, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। चौथा क्वेश्चन, आपको आइडिया कहाँ से आया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का? आइडिया की बात करें तो आइडिया तो यूट्यूब से ही आया। एक दिन मैं यूट्यूब देख रहा था, वहाँ पे चैनल बनाना सिखा रहा था एक बंदा, और उससे कैसे हम लोग अर्न कर सकते हैं, तो ये चीज़ अच्छी लगी तो इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया। आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो इसका आंसर मैंने दे दिया है। और छठा क्वेश्चन, आपको आइडिया कैसे आता है कि किसका गिफ्ट करूँ? तो इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ। मेरे जो आसपास बच्चे हैं मैं उनसे पूछता हूँ, फिर अपने दोस्तों से पूछता हूँ कि किसका गिफ्ट करूँ, ऐसे ऐसे करके मैं निकाल लेता हूँ, ढूंढता रहता हूँ, हर दिन ढूंढता हूँ कि क्या नया किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा डाई विथ फन ने, उनने पूछा माई क्वेश्चन, व्हाट्स योर फेवरेट क्रिकेटर? तो मेरा फेवरेट क्रिकेटर है MS धोनी। इंस्पिरेशन टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल, एक यूट्यूब पे चैनल है जिसका नाम है माई स्मार्ट सपोर्ट, वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिली थी। और फेवरेट यूट्यूबर के लिस्ट पे में है मेरे टेक्निकल गुरुजी, धर्मेंद्र सर, फ्लाइंग वेस्ट, मुंबई का निखिल, वीवी की वाइंस और बहुत सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा निखिल हल्दकार ने, हाउ इज योर एक्सपीरियंस इन यूट्यूब? तो एक्सपीरियंस का क्या है कि नई नई चीजें सीखने को मिलती है, नई नई चीजें ट्राई करने को मिलती है, नए चीज़ें बेसिकली चैलेंजेस मिलते हैं। तो ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस है, ऐसा वाला एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, ऐसा वाला एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आयुष सिंह ने, इनने पूछा है कि भाई प्लीज़ एक पैट का गिव अवे कर दो, मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है पर मेरे घर वाले मना करते हैं, मैं उस पैट से घर में ही प्रैक्टिस करूँगा, प्लीज़ Q&A में बताना कि कब करोगे प्लीज़। तो पैट का गिव अवे मैंने कर दिया है, और हो सकता है आगे भी आए गिव अवे, तो आप चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कार्तिक ने, इन्होंने पूछा है कि सर आपकी एज, अर्निंग, एजुकेशन एक्सेट्रा एंड क्वेश्चन मार्क। तो मेरी एज अभी है 22। अर्निंग्स, एक कहावत है कि लड़कियों से उनकी उम्र और लड़कों से उनकी सैलरी नहीं पूछी जाती, तो आप समझदार हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। एजुकेशन की बात करें तो मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ, मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फतेह अमेजिंग क्राफ्ट, तो इनने पूछा है व्हाट इज योर अर्निंग सोर्स? तो अर्निंग सोर्स की बात करूँ तो मैं अभी ट्यूशंस देता हूँ, मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, लीड जनरेशन करता हूँ, और भी छोटे मोटे बहुत सारे काम मैं करता हूँ। हमारे लिए गिफ्ट पॉकेट मनी से खरीदते हो या फिर अर्निंग से? तो मेरी जो अर्निंग्स होती है कोचिंग से, इंस्टीट्यूट से, ब्लॉगिंग से, लीड जनरेशन, इन सब से जो अर्निंग होती है उनसे मैं टॉयज खरीदता हूँ। और तीसरा क्वेश्चन इनने पूछा है कि स्टेशनरी गिव अवे का रिस्पॉन्स कैसा था व्यूअर से? तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो स्टेशनरी का उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था, टू बी फ्रैंक, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। हो सकता है कि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँची ना हो, तो ऐसा नहीं है कि मैं स्टेशनरी का गिव अवे नहीं करूँगा,
आगे फ्यूचर में ये आएगा, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं स्टेशनरी में जो लोग चाहते हैं कि उनके पास वो चीज रहे, तो मैं करूंगा। जैसे जैसे ये चैनल ग्रो होगा गिवअवे का लेवल भी बढ़ेगा। और इनने पूछा आप 3 सवाल पूछते हो लेकिन मैं एक और पूछूंगा, डोंट वरी नॉट ऑन दिव्य ज्ञान, इधर ही पूछूंगा When will I win? तो मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है आप विनर बन चुके हो एक आध बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा YouTube गेमिंग ने, इन्हें पूछा कि सर मेक वीडियो ऑन क्रिकेट इक्विपमेंट एज द सीरीज ऑफ इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज इज गोइंग टू स्टार्ट। तो ये 3 वीक पहले का क्वेश्चन है, तो जब इनने पूछा तो जब स्टार्ट होने वाली थी, अब तो इंडिया और वेस्ट इंडीज का सीरीज अभी चल ही रहा है, टेस्ट मैच भी स्टार्ट हो गया है। तो मैं बनाऊंगा वीडियो, चिंता नहीं करो, धीरे 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 सब होगा, इकट्ठा एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं कर सकते अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अमन कहार गेमिंग ने, इनने पूछा है #Q&A आप कौन हो पूरा इंट्रोडक्शन, और आप क्या पबजी खेलते हो, अगर खेलते हो तो उसमें क्या नाम है। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो मेरा नाम आप लोग तो जानते ही हो, और मैंने एजुकेशन के बारे में, मैं कहाँ रहता हूँ इसके बारे में अभी बता दिया, तो आगे और भी चीजें आएंगी तो वो धीरे धीरे आगे करेंगे अपन। तो पबजी की बात करें तो हाँ मैं कभी कभी पबजी खेल लेता हूँ, तो आप सर्च करना टॉयज ऑन इंडिया के नाम से, मैं शायद आपको मिल जाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्रिकेट फैन क्लब ने, इनने पूछा है कि आपको कितने मंथ्स लगे 1K सब्सक्राइबर होने जब से आपने स्टार्ट किया था चैनल। तो मुझे 6 मंथ लगे हैं, मैंने नोट करके रखा है डायरी में। तो मैंने स्टार्ट किया था अप्रॉक्स 10th of February को, वैलेंटाइन डे से 4 दिन पहले मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे जाके ये जुलाई में शायद 16th of July को 1000 हो गया था, मैंने लिख के रखा ये सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मनीष कुमार ने, इनने पूछा है कि इतना बड़ा हो गया अब ब्याह नहीं हुआ है। तो बेसिकली इनने पूछा है कि इतने बड़े हो गए हो और तुम्हारी शादी नहीं हुई है। तो भाई मनीष कुमार अभी तो 22 ही का हुआ हूँ, ज्यादा बड़ा कहाँ हुआ, तो अभी बहुत टाइम है शादी करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन पूछा शर्मा जी ने, इनने बाप रे 14th क्वेश्चन पूछा है, 14 क्वेश्चन इनने कुल मिला के पूरी जिंदगी के बारे में पूछ लिया है मेरे। तो शर्मा जी से मेरी पहले बात हुई थी, तो हालांकि मैं इनको जानता हूँ, ये क्रिकेट खेलते हैं, अंडर 16 प्लेयर हैं ये। तो कोई नहीं, एक एक करके मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। तो मैं वेयर डू यू लिव ये मैंने बता दिया आपको, विच कैमरा डू यूज, तो मैं अभी यूज कर रहा हूँ कैनन का 1300D। और तीसरा क्वेश्चन इनका ये था कि व्हाई यू आर सो इंटरेस्टेड इन गिवअवेज, वाज इट योर आइडिया और एनीवन एल्स। को लगता है कि बच्चों को ये चीजें आसानी से पेरेंट्स उपलब्ध नहीं कराते, पेरेंट्स इन लोग को नहीं देते, जैसे कि बैट हो गया, ऐसे ऐसे टॉयज हो गया, आसानी से उनको नहीं मिलती है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे द्वारा मिल जाए तो अच्छा हो जाए, मेरा भी फायदा होगा, उनका भी फायदा होगा, सबका फायदा होगा, सब लोग आगे बढ़ेंगे। और ये किसका आइडिया था, तो एक्चुअली ये मेरा ही आइडिया था गिवअवेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू गेट इन रिटर्न द मनी यू इन्वेस्ट इन अस फॉर गिवअवे। तो फिलहाल अभी की बात करें तो मैंने 1 रुपया भी रिटर्न में अभी नहीं कमाया जितना मैंने इन्वेस्ट किया है। तो जैसे जैसे चैनल आगे बढ़ेगा तो दोनों का फायदा होगा यहाँ पे। 5वां क्वेश्चन इनका था कि डिड योर फैमिली मेंबर्स अलाउड यू टू डू दिस, एज जनरली YouTube में भी अलाउड बट इन्वेस्टिंग मनी एट रिस्क फ्रॉम ओनली 5 to 10 सब्सक्राइबर्स। इनका कहने का मतलब यह है कि आपकी फैमिली ने अलाउ किया था, और जनरली क्या होता है कि अगर YouTube चैनल स्टार्ट की हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 5 से 10 सब्सक्राइबर्स से ही आप गिवअवेज देने लगो, आप उसमें पैसे लगाने लगो बहुत ज़्यादा, तो फैमिली अलाउ नहीं करती है। तो इस केस में मैं लकी हूँ, मेरे फैमिली ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे मेरा प्लस पॉइंट ये था कि मैंने उनसे ज़्यादा पैसों की डिमांड नहीं की, हालांकि कुछ पैसों की मैंने डिमांड नहीं की, जो मैंने अर्न किया थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग, ट्यूशन से और फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ से मैंने जो अर्निंग की, तो वो सब पैसे मैंने यहाँ पे लगाए, तो इसके कारण मुझे उतना रोक टोक नहीं किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, तो इसका मैंने आंसर दे दिया है तो आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ योर फ्रेंड्स रिएक्टेड व्हेन दे सॉ 1K सब्स फर्स्ट गिवअवे एंड मेनी मोर। तो ऐसा कि मैंने ज्यादा दोस्तों को नहीं बताया है अपने चैनल के बारे में, 2-3 लोगों को ही इसके बारे में पता है, तो 2-3 लोगों में से अच्छे अच्छे रिएक्शन थे उनके, और गिवअवेज देखा तो वो पूछते थे कि कहाँ से इतने पैसे कहाँ से आते, तो फिर वही चीज उनको भी जो अभी आपको बताया वही चीज उनको भी एक्सप्लेन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स फॉर गिवअवे। तो गिवअवे के लिए फ्यूचर गोल्स बहुत ही तगड़ी है, मैं बहुत ही अच्छे अच्छे जो यूट्यूब के इतिहास में अभी तक जो गिवअवे नहीं हुआ है वैसे वैसे गिवअवे यहाँ पे करने वाला हूँ, तो प्लीज इस चैनल को आगे बढ़ाओ, आप देखना कोई भी निराश नहीं होगा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें और एक्साइटिंग चीजें आएगी,
और आपने जो सोचा भी नहीं होगा, जिसने अभी तक YouTube पे किया नहीं है ना, वो चीज़ मैं करके दिखाऊंगा आपको, अगर चैनल ग्रो होगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सेंट इन 10th एंड 12th। भाई यार क्या पूछ रहे हो, 10th का परसेंट था मेरा, 10th में CGPA था एक्चुअली, 9.6 CGPA था आउट ऑफ 10, तो आप परसेंट निकाल लेना। और 12th में कुछ ख़राब था तो 70% अप्रोक्स, 69 पॉइंट समथिंग थे, तो मैं मान के चलता हूँ 70। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट मूवी नोवल एंड वन एक्सपीरियंस आइदर ब्यूटीफुल और फियरफुल एनीथिंग। तो बेस्ट मूवी मेरी है इंसेप्शन, बहुत ही अच्छी मूवी है, एक सपने की दुनिया की कहानी है, तो आप प्लीज़ उस मूवी को देखो। नोवेल की बात करें तो एक चेतन भगत की नोवेल थी 2050, वो काफ़ी अच्छी नोवेल थी, 2050 ही नाम था, रेवोल्यूशन 2050 ऐसे करके कुछ था, तो शायद नाम में कुछ दिक्कत हो सकती है, 2020 या 2050 था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। नेक्स्ट, वन एक्सपीरियंस आइदर ब्यूटीफुल और फियरफुल एनीथिंग। तो एक्सपीरियंस इसका क्वेश्चन अपन फ्यूचर के लिए छोड़ देते हैं। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कब होगा, जब चैनल ग्रो होगा, 1K हो गया जैसे, तो 10K हो जाएगा, फिर 1 लाख हो जाएगा, तो अच्छा एक्सपीरियंस है। और अगर ये नहीं होता है तो ये फेयरफुल एक्सपीरियंस हो पाएगा। फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट, फेवरेट प्लेयर इन दैट स्पोर्ट MS धोनी। एज 22, स्टिल थिंकिंग, लव यू। तो थैंक यू, लव यू टू शर्मा जी, इनको मैं जानता हूँ, मैं इनसे पहले बात हो चुकी थी मेरी। तो आज के लिए बस इतना ही, आप प्लीज़ उस फॉर्म को जाके भर दो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं अगले Q&A में किसी नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।